मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर नदीम अख्तर है। मैं कलवरी पेंटिकॉस्टल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के साथ ताल्लुक रखता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं पास्टर दानिश पीटर का, जिन्होंने आज दावत दी है। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। आज हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से अपनी सलाह के लिए पढ़ेंगे। लिखा है मत्ती की अंजील उसका चौथा बाब और उसके चौथे बाब की पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब अबलीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने दाई नीचे गिरा दे, जो कि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर अबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब अबलीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। मेरे अजीजों लिखा है उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। हम जो 40 रोजों को हर साल हमारे लोग हमारी कौम रखती है, हम उनके ऊपर गौर करेंगे कि जो लोग रोजे रखते हैं वो 40 रोजे रखे जाते हैं लेकिन यीशु मसीह ने 40 रोजे नहीं बल्कि एक ही 40 दिन का फाका किया है। बेशक हम हर साल 40 रोजे हमारे हम में रखे जाते हैं, उसमें हमारा ये मकसद ना हो कि मैंने 40 रोजे पूरे करके मैंने फर्ज पूरा करना है। उसमें हमारा ये मकसद होना चाहिए कि इस रोजे के इन रोजों के दौरान मेरा अपना क्या मकसद है। अगर हम अपना कोई रूहानी मकसद नहीं रखते, बगैर मकसद के रोजे रखते चले जाएंगे तो 40 के 40 रखने के बाद भी कोई बरकत नहीं मिलेगी। बरकत उस शख्स को मिलेगी, 40 का जो अदद है यह है कुव्वत का अदद। तो जो शख्स खुदा की हजूरी में 40 दिन अगर रोजे रखता है, रोजे में ठहरा हुआ है, अगर उसका कोई रूहानी मकसद है तो खुदावंद उस मकसद को पूरा करता है। जो शख्स मकसद लेकर चलता है खुदावंद उसके मकसद को पूरा करता है। तो यीशु मसीह को भी हम देखते हैं कि जैसे ही यीशु मसीह ने रूहुल कुदस का बपतिस्मा पाया, पानी का बपतिस्मा लेने के बाद जब यीशु मसीह पानी के से बाहर निकले तो लिखा है 16वीं आयत में और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफोर पानी के पास से ऊपर गया, देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। लोग रोजा रखते हैं, लोग जो हैं रोजे में अपने जिस्मानी मकासद को सामने रखते हैं
यहां तक के रोजे में लोग ये कहते हैं कि मुझे फलान लड़की से मोहब्बत है, रोजे में खुदावंद के सामने रख लेते हैं, वो मुझे मिल जाए। तो जिस्मानी ख्वाहिशात को आगे रखा जाता है, तो जिस्मानी ख्वाहिशात को सामने नहीं रखना। जब हम रोजे में ठहरे हुए हैं तो हमें खुदावंद के हजूर में खाली करके आने हैं दुनिया की चीजों से अपने आप को। जैसे हम यीशु मसीह को देखते हैं तो यीशु मसीह को 40 दिन के बाद जिस्मानी तौर पर बेशक उसको भूख लगी है, तो आजमाने वाले ने उसके पास आकर उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह कि रोटियां बन जाएं। तो यीशु मसीह के पास जब कोई वो आजमाने वाला जो आ गया है, तो ये नहीं कि कोई उसने कोई बुरी सी शक्ल सामने यीशु के बनाई हुई है तो वो उसको सामने से बातें कर रहा है उसके, बल्कि ये सारा लड़ाई का एरिया हमारा ये जगह है। यहां पर सोचें आती हैं, यीशु मसीह तो जंगल में है, लिखा रूह उस यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए। तो यीशु मसीह जंगल में है लेकिन यहां पे लिखा है वो उसको हैकल के कंगरे पे ले गया, वो उसको कहता है इन पत्थरों से कह रोटियां बन जाए, फिर वो उसको सारी दुनिया की सल्तनतें दिखा रहा है। तो यीशु मसीह कहां पर है? वो तो जंगल में है। तो यीशु मसीह के अंदर ये वो सोच पैदा कर रहा है, वो सोचों के अंदर ये काम कर रहा है, इन पत्थरों से कह, सामने पत्थर पड़े हुए नजर आ रहे हैं, इन पत्थरों से कह रोटियां बन जाए। तो यीशु मसीह ने कहा इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है उससे जीता रहता है इंसान। इसलिए जिस्मानी हमारा कोई मकसद ना हो, जो जिस्मानी मकसद सामने रखता है, जिस्मानी मकसद सामने रखता हुआ रोजे रखता रहेगा वो मुमकिन है कि उसके रोजों में उसकी ना सुनी जाए, क्योंकि जिस्मानी मकासद के लिए उसने रोजे रखे हैं, जिस्मानी उसके काम हैं उनको सामने रखता हुआ वो जो है वो रोजा रख रहा है। या लड़की के लिए वो बैठा हुआ है कि मैं खुदा मुझे वो लड़की मिल जाए, उससे मेरी शादी हो जाए, तो फिर वो 40 दिन पूरे करने के बाद भी वो उसको नहीं मिलती, तो ये उसका मकसद नहीं होना चाहिए। बल्कि हम जो रोजा, पहली बात तो ये है कि रोजा इंसान को जब भी रखना है उसका मकसद हो खुदा के साथ चलने का। जैसे हम जो यीशु मसीह के पैरोकार हैं, हमें यीशु मसीह को देखना है कि यीशु मसीह ने जो रोजा रखा है 40 दिन का फाका किया है, उसमें उसने क्या पाया है। और अगर हम पीछे देखें तो यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया है तो क्यों लिया है? हम भी बपतिस्मा लेते हैं, बाजों ने तो बपतिस्मा भी नहीं लिया तो रोजे रख रहे होते हैं। तो बपतिस्मा लिया है तो क्यों लिया है? हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो उसके पीछे क्या सबब है? ऊपर यूहन्ना ने कहा मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं, वो तुमको रूहुल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। तो जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो यूहन्ना ने कहा कि मैं तो आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं, तो यीशु मसीह ने कहा अब तो होने ही दे, क्योंकि हमें सारी रास्तबाजी को इसी तरह से पूरा करना मुनासिब है। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो उसमें लिखा है कि तौबा करो, तो यीशु मसीह ने कोई तौबा नहीं की। यीशु मसीह ने क्या किया है? उसने कहा हमें सारी रास्तबाजी को इसी तरह से पूरा करना है, और उसने जो है बपतिस्मा लेकर ये जाहिर किया है कि मैं खुदा का बेटा हूं। हम बपतिस्मा लेते हैं यीशु मसीह को कबूल करके, हम भी खुदा के पास आते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह को कबूल करने से हम खुदा के बेटियां बेटे ठहर गए हैं। जिस दिन हम उसे कबूल करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो यीशु मसीह ने ये साबित किया है कि मैं खुदा का बेटा हूं, और बेटा भी कैसा प्यारा बेटा हूं, क्योंकि जब रूहुल कुद्दस कबूतर की मानद उसके ऊपर उतरता है तो आसमान से यह आवाज आई कि यह मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं।
तो इसी तरह से हमारा भी रूहानी मकसद हो कि हम खुदा के बेटे हैं, हमें साबित करना है, हम गुनाहों से तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, हम गुनाहों से तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं तो हम खुदा के बेटे ठहरते हैं यीशु मसीह को कबूल करके। पर जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया है तो उसने इस बात के लिए बपतिस्मा लिया है कि मैं खुदा का प्यारा बेटा हूं। इसी तरह हम रूहुल कुदस पाके रूहुल कुदस की रहनुमाई में चलें, जैसे यीशु मसीह ने, जैसे ही उसने बपतिस्मा लिया तो आसमान खुल गया। ये नहीं कि उसके लिए आसमान कोई दो टुकड़े हो गया, आसमान खुलने से मराद है कि अब वो अपनी खुली आंखों से आसमान पर बाप को क्या करता है, क्या बाप कहता है, उसको वो सुन सकता है। उसके लिए उसकी आंखें खुल गई हैं, तो रूह यीशु को जंगल में ले गया। इसी तरह जब हम खुदावंद के हजूर में आते हैं, रोजा रखते हैं, तो हमारा मकसद खाकसारी के साथ खुदा के हजूर में चलना है। खालस नियत से हमने खुदावंद के हजूर में रोजा रखना, रोजा जो है ये बहुत जरूरी है एक ईमानदार के लिए। तो रोजा क्यों जरूरी है? क्योंकि रोजा हम देखते हैं, जब नैनवे के लोगों ने रोजा रखा तो खुदावंद ने अपना इरादा चेंज कर लिया। रोजा खुदावंद के इरादा को बदल देता है। यीशु मसीह ने भी कहा, जब ये कहा गया कि तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते, तो यीशु मसीह ने कहा जब तक दुल्हा उनके साथ है, बरातियों के साथ, तो वो कैसे रोजा रख सकते हैं। हाँ, एक वक्त आने वाला है कि जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा तो वो रोजा रखेंगे, जब उनसे जुदा हो जाएगा दुल्हा। तो अब यीशु मसीह ने जो कहा था कि वो रोजा रखेंगे, जैसा कि मत्ती की इंजील में लिखा भी है, जब कभी तुम रोजा रखो। हमारा रोजा रखने का मकसद क्या हो, हमने इसको सामने रखना है। लिखा है जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। जो अपना मुंह बिगाड़ता है, जो रोजा रख के सोया रहता है, जो रोजा रख के जो है वो दुनिया के कामों में मशगूल रहता है, उसको एक रत्ती बराबर जो है वो बरकत नहीं मिल सकती। बरकत पाने वाले को क्या करना है? जब वो रोजा रख के बैठा है तो वो खाकसारी से खुदावंद के हजूर में आए, वो खुदावंद की हजूरी में जो है वो दुआ में ठहरा रहे, बाइबल पढ़े और खुदावंद के हजूर में परस्तिश करे, तो उस रोजे की वो बरकत हासिल कर सकता है रोजा रखने से। लेकिन अगर वो रोजा रख के लेटा रहता है या जिस्मानी कामों में लगा हुआ है और उसके ख्यालात भी जो हैं वो आवारा हो चुके हैं, वो खुदावंद में कायम नहीं है, तो वो शख्स जो है कुछ भी बरकत नहीं ले सकता। बरकत लेने के लिए उसको क्या करना है? हम देखते हैं कि यीशु मसीह को भूख लगी हुई है, तो आजमाने वाला क्या कह रहा है, इन पत्थरों से क्या रोटियां बन जाएं। अब इंसान जब रोजा रखता है तो रोजे में रखने के बाद वो टाइम देखता है, इस टाइम पे मैंने रोजा खोलना है, अंदर सोच आ रही है, भूख लग रही है, ये हो रहा है, वो रहा है। तो भूख किसको लगती है? जो सिर्फ जिस्मानी ख्यालात में पड़ा है, जो रोजा इस मकसद से रख रहा है कि मुझे खुदावंद के हजूर से बरकत पानी है, वो टाइम पर गौर नहीं करेगा, खुदावंद उसको बरकत देगा। तो यीशु मसीह ने 40 दिन का फाका करने के बाद उससे कहा, यह भी लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। जब कोई रोजे में बैठा हुआ है, दुआ में बैठा हुआ है, अगर उसके अंदर जिस्मानी ख्यालात जोर मार रहे हैं या कोई बड़ी चीज सामने आ रही है कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो उस वक्त उसको चाहिए कि वो खुदावंद की हजूरी में कहे, खुदावंद ये कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ तू ही चाहिए, मुझे तेरी हजूरी चाहिए। तो जो मकसद है उस मकसद को
रूहानी तौर पर जो अपना मकसद सामने रख के बैठा हुआ है उस मकसद को सामने रखे और किसी और चीज़ को सामने आ रही है तो उसको जो है वो पीछे हटा दे, नहीं तो कोई बड़ी चीज़ सामने आ गई, जैसे उसने यीशु मसीह से कहा है, इन रोटियों से कहा पत्थर बन जाए, ना पत्थरों से कहा रोटियां बन जाए, और उसके बाद फिर वो उसको हैकल के किंगरे पर ले जाता है। यानी बड़े ख्यालात, अगर कोई ईमानदार चल रहा है उसके अंदर बड़ी सोचें बयान जो है वो रख देता है उसके अंदर, तो वहाँ पर वो ऊपर ले जाकर वो इंसान को नीचे गिरा देना चाहता है। तो यीशु मसीह ने कहा, यह भी लिखा है कि तू खुद अपने खुदा की आजमाइश ना कर, क्योंकि जो ऊपर जा सकता है वो नीचे भी उतर सकता है। तो वहां पर यीशु मसीह जी कोई हैकल के किंगरे पर चढ़ नहीं गए थे, तो ये सारी लड़ाई यहां पर हो रही है। इसलिए हमें दुआ में, रोजे में उन आने वाले ख्यालात को जो जिस्मानी हैं, क्योंकि बाइबल कहती है अगर जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो ज़रूर मरोगे। इंसान दुआ कर रहा है, जी दुआ में मुझे फलां चीज़ नज़र आई है, खुदा मैं रिसीव करता हूँ, रोज़े के वक्त ही मकसद कोई और रख के बैठा था, लेकिन उसमें कुछ और उसको मिलना शुरू हो गया है। अगर वो मिल रहा है, उस पर वो आमीन करता जा रहा है, तो मुमकिन है कि वो इसी जगह पर हो जो आजमाइशें वो यीशु मसीह के सामने रख रहा है। अगर तू मुझे झुक कर सजदा कर दे तो मैं दुनिया की सारी सल्तनतें तुझे दे दूंगा, तो उसको दुनिया की सारी शान और शौकत दिखाता है, उसको दुनिया की सारी सल्तनतें दिखाता है। तो इसी तरह आज अगर वो इंसान के आगे दुनिया की चीज़ें ला ला के रखता है, जिस्मानी ख्यालात इंसान के अंदर आते हैं, तो उनको चाहिए कि इंसान सलीब के ऊपर खींच दे। जो जिस्मानी है वो उन ख्यालों को नहीं खींच सकते, बल्कि वो आमीन कर देंगे कि मैं तो रोजे में बैठा हुआ था, और ये फर्क नहीं करना जानता कि ये जो सामने चीजें आ रही हैं, मुझे दिखाई जा रही हैं, ये खुदा की तरफ से हैं या वो शैतान की तरफ से हैं या उसके अपने ही ख्याल हैं। तो जो तो फर्क करना जानता है कि ये खुदा की तरफ से है, तो वो उस बात पर आमीन कर सकता है, लेकिन जिसको फर्क नहीं करना आता तो वो वहां पर नुकसान उठाएगा। इसलिए हमें जब खुदा की हजूरी में ठहरे हुए हैं, रोजे में हमें खाकसार हो जाने हैं, तो खुदामंद रोजे में बरकत देगा। किस तरह से खाकसार हो जाने हैं? बाइबल में एक औरत है, मत्ती की अंजील के 26वें बाब में उसका जिक्र मिलता है, सारी अंजीलों में है लेकिन मैं 26वें बाब की 6 आयत से पढ़ूंगा। लिखकर जब यीशु बैतनिया में शमौन कोड़ी के घर में था, तो एक औरत संगमरमर के इत्रदान में कीमती इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वो खाना खाने बैठा तो उसके सर पर डाला। शागिर्द ये देखकर खफा हुए और कहने लगे, ये किस लिए जाया किया गया? ये तो बड़े दामों को बिक कर गरीबों को दिया जा सकता था। यीशु ने ये जानकर उनसे कहा कि इस औरत को क्यों दिक करते हो? इसने तो मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूंगा, और इसने मेरे दफन की तैयारी के लिए ये इतर मेरे बदन पर डाला। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं इस खुशखबरी की मनादी की जाए, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में कहा जाएगा। जहां कहीं भी मुनादी की जाती है, हमें जानना है कि जो कुछ औरत ने किया है इसको भी हमें याद रखना है। क्यों इसको याद रखा जाए? यीशु मसीह ने कहा है, इसका जिक्र किया जाए, जहां कहीं भी अंजील की मुनादी की जाए इसलिए किया जाए कि इसने वो काम किया है जिससे इंसान जो है खुदावंद के हजूर में आकर वो निजात पा सकता है।
खुदामंद के हजूर में आकर वो काम उसने किया है कि खुदामंद के हजूर से जैसा काम उसने किया है कि उसने वो संगमर का मरमर का इत्रदान तोड़ डाला। तो आज जब इंसान अपने आप को खुदामंद के हजूर में लाता है तो वो संगमरमर के इत्रदान की तरह अपने आप को तोड़ दे, अपने अंदर के सख्तपन को तोड़े, अपने दिल की सख्तियों को तोड़ डाले, तो खुदामंद उसके अंदर से वही खुशबू देखेगा। वो खाकसार होके उसी औरत की तरह खुदामंद के कदमों में झुक जाए और खुदामंद के कदमों में झुक कर उसकी सताइश करे, उसकी हमद करे और उसके कदमों में झुक कर जैसे उसने राह दिखा दी है एक के गुनाहगार शख्स को कैसे निजात पानी है। ये भी बात उसने की है, ये टॉपिक अलग निकल जाएगा। तो यीशु मसीह ने कहा इसने तो मेरे साथ भलाई की है। तो हमें इस मरियम मगदलीनी की तरह खुदावन के कदमों में झुक जाना है। जिस जगह पर कोई कमी है किसी के अंदर, बड़ा भी गुनाहगार कोई क्यों ना हो, जैसे ही वो मान लेगा खुदामंद मुझसे ये गलती हुई है, खाकसार हो जाएगा, खुदामंद उस पर रहम कर देगा। इसी तरह रोज़ा रखने वाले को खुदामंद के हजूर में जब आना है तो वो खाकसार होकर इसी औरत की तरह खुदामंद के पास आए तो खुदामंद उसको बढ़ाएगा, उसको बरकत देगा। इसलिए बाइबल कह रही कि इसका जिक्र किया जाए क्योंकि उसने जो कुछ किया है वो अजीब काम किया है। इसी तरह हमें खुदामंद के हजूर में खाकसारी के साथ खुदा के पास आना है। तो जो रोजे में अपने जिस्मानी ख्वाहिशात को मारता नहीं, अपनी जान को इंसान दुख देता है, रोजा रखता है, तो रोजे में करना क्या है? रोजे में हमने अपने हवास को कमजोर करना होता है और रूहानी एतबार से अपने हवास को हम जोरावर बनाते हैं, तब हमारा खुदा के साथ रिश्ता जुड़ता है। और जब हम जिस्मानी एतबार से अपने हवास को कमजोर कर लेते हैं तो हमारे रूहानी हवास तेज होते हैं। और जब हम अपने रूहानी हवास को तेज कर लेते हैं तो हमारी खुदा के साथ अकाई बन जाती है। और जब अकाई बन जाती है तो ये नहीं कि हम 40 रोजे रखें तो तब ही बरकत मिलेगी। इंसान वैसे भी खुदा की हजूरी में बैठा है तो वो बरकत पाएगा। इसी तरह हमें जब रोज़ा रखना है, खाकसार होना है, रोज़े में अपनी जान को दुख देकर इंसान क्या करता है, अपने पांचों हवासे खमसा को कमज़ोर बनाकर जिस्मानी एतबार से रूह में रूहानी एतबार से अपने हवास को जोरावर बनाकर खुदा में अपने रिश्ते को मजबूत करके खुदा के हजूर से बरकत पा लेता है। इसी तरह से बेशक दुनिया की सारी सल्तनतें दिखाई गई, सब कुछ दिखाया गया, यीशु मसीह ने जितना भी उस पे आजमाइशें आई उसने कहा ये लिखा हुआ है कि इंसान सिर्फ रोटी से न जीता रहेगा। फिर उसने कहा ये लिखा हुआ है कि इंसान तो खुदामंद अपने खुदा के सिवा किसी और को सजदा ना कर। फिर उसने कहा ऐ शैतान मुझसे दूर हो। तो तीनों आजमाइशों में यीशु मसीह ने उसकी किसी बात को नहीं माना। तो ये बात वही कर सकता है जो जानता है कि ये लिखा हुआ है। जो ये जानता ही नहीं कि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मुझे इब्लीस की तरफ से आने वाले ख्याल को कैसे रद्द करना है, वो शख्स जो है रूहानियत में तरक्की नहीं कर सकता। सो हमें जो है जानना है। खुदा बरकत दे, हम दुआ करेंगे। कादर मुतलिक जलाली आसमानी मेहरबान बाप, मैं तेरे हजूर में शुक्रगुजार हूँ प्यारे बाप, तेरी तारीफ़ करता हूँ क्योंकि तू भला है और तेरी शफकत अब्दी है, तेरा प्यार निराला है। ऐ जलाली आसमानी बाप, तू अपने लोगों को अपने कलाम की इन पुरफजल बातों को समझने का फजल दे। तेरे लोग खाकसार होकर तेरे हजूर में आएँ, इन बातों को समझें, जो भी इन बातों को सुने सीखे वो कसरत की बरकत पाए, अपने आप को खाकसार बनाकर तेरे हजूर में आए जैसे वो औरत जो तेरे हजूर में आती है संगमरमर के इत्रदान को लेकर और वो उसको तोड़कर तेरे सर में डालती है और अपने आंसुओं से तेरे कदमों को धो देती है। इसी तरह से तेरे लोग जो तेरे हजूर में चलने वाले हैं खाकसार होकर तेरे हजूर में चलें ताकि तुझसे बरकत पाएँ और कसरत की पाएँ। तेरा शुक्र हो प्यारे बाप, ये दुआ तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ।
आमीन।